नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में आकांक्षा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आकांक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती अंकिता शाह ने शुभारम्भ किया। सबसे पहले SSP के जवानों ने आगे आकर रक्तदान किया। वहीं CMS ने भी रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं CMO सिद्धार्थनगर ने कहा कि रक्तदान करने से रक्तदान की सारी बीमारियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। संस्था द्वारा अभी तक उत्तर प्रदेश में 1800 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर हैदरनगर में दो सगे भाइयों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जबकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि एक भाई लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसकी आज सुबह मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई की अटैक पड़ने से मौत हो गई। क्षेत्र के भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत ने बताया कि जहरीली शराब पीने से दोनों भाइयों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि हर गांव में जहरीली शराब बिक रही है, जिसके चलते पहले भी कई मौतें हो चुकी है। अमरजीत भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष, ये पूरा मामला है, जहरीली शराब पी के इनकी मौत होगी। ये जो गाँव में हर गाँव में यहाँ से जहरीली शराब बराबर बिक रही, इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। पुलिस ठावे और चालान भी कर रही, काम कर रही, लेकिन ये लोग नहीं मानते। यहाँ भी हमारे गांव में हैदरनगर जलालपुर में दो लोगों की शराब पी के मौत होगी। तितावी थाने में जलालपुर हैदरनगर गांव में सचिन और अनुज दो सगे भाइयों की डेथ का मामला सामने आया है। सचिन 1.5 माह से बीमार चल रहा था। उसके पिता और उसके भाइयों द्वारा बताया गया है कि सचिन 1.5 माह से बीमार चल रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। सुबह जब वो डेड बेड पर पड़ा हुआ था तो उसका छोटा भाई आया, जैसे उसको देखा तो उसी पर वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। SDA AE अनिल कुमार माथुर व JE सुधीर गुप्ता ने फोर्स के साथ जनता रोड पर पहुंचकर गणपति विहार कॉलोनी करीब 8200 स्क्वायर मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। वहीं अधिकारियों ने जमीन की पैमाइश कर सहारनपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगा दिया। AE अनिल कुमार माथुर ने बताया कि जिला अधिकारी व SDA उपाध्यक्ष के निर्देश पर सीलिंग की कीमती जमीन को कब्जा मुक्त कर SDA का बोर्ड लगा दिया है। जमीन की कीमत करोड़ों में आकी गई है। वहीं TP नगर चौकी इंचार्ज सतीश कुमार फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। ये सीलिंग की जमीन है, माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं उपाध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण महोदय के आदेश के क्रम में ये सीलिंग की जमीन सरकारी जमीन है। इस पर हम लोग डिमार्केशन करके कब्जा ले रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर्स वगैरह करते हैं, लेकिन फिलहाल इस समय खाली है और हमने कब्जा समय से कर लिया है। चाहे बाद में कोई कुछ करता, इससे पहले हमारे कब्जे में आ गई है जमीन। कब्जा तो पहले से ही था, फिजिकल और कागज़ पे था, फिजिकल हमने आज ले लिया, बोर्ड लगा दिया हमने अपना। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बलवा खेड़ी के ग्रामीणों का आरोप है कि उनके बैंक खातों से धनराशि निकाली गई है। वहीं उन्होंने जनसेवा केंद्र के संचालक भानू नामक व्यक्ति पर उनके अकाउंट हैक कर पैसे निकालने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आदेश कुमार जी, जलपुर जी करो। मामला यह है कि जी हमारे पास अलाउंसमेंट हुआ गांव में कि आप अपना राशन कार्ड बनवा लीजिए नया, और फिंगर निशान से आपको राशन मिलेगा। उसके बाद मैं उसके पास गया जी, उसने कहा कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक में, वो कराइए भानू के पास जी। एक लड़का है बलवाखेड़ी का, वो जनसेवा केंद्र वाला है जी, संचालक जी। उसके बाद उसने मैं कहने का आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक से, वो कराइए। मैं 7 तारीख में लिंक करा गया जी उसे। उसने फिर मेरे पास एक लड़का भेजा कि आप आइए और अपना आधार कार्ड बनवाइए। उसने मेरे से बैंक अकाउंट नंबर लिया, मोबाइल नंबर लिया, आधार कार्ड नंबर लिया, फिंगर निशान लिए, एक फ़ोटो लिया। जिस तारीख में उसने मेरे से ये लिया सारा सिस्टम, उस तारीख में मेरा 10,000 रुपये अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया। ये अलीपुरा के राजवीर सिंह और कुछ बलवा खेड़ी के लोग मेरे पास आए हैं, FIR दे रहे हैं, मैं लॉन्च कर रहा हूँ। इनका कहना है कि जनसेवा केंद्र का संचालक है, उसने इनसे विवरण ले लिया, खाते का नंबर ले लिया, आधार कार्ड का नंबर ले लिया, इनके अंगूठे लगवा लिए, और इनके खाते में से किसी खाते में 10,000, किसी में 20,000 माइनस हो गए हैं। जब इन्होंने एंट्री कराई है तो इन्हें पता लगा इनके पैसे निकल गए। मैंने पूरा शक है उसी पर, जनसेवा केंद्र वाले का, उसके खिलाफ FIR दे रहे हैं, जाँच करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में बिजली की दरें बढ़ाए जाने के फैसले को जन विरोधी करार देते हुए सफाइयों ने कचहरी में धरना प्रदर्शन कर बिजली की बढ़ती दरों के फैसले को वापस लेने की मांग के
साथ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं के बीच में बैठी पूर्व मंत्री व सपा से पूर्व विधायक उमा किरण ने मीडिया के कैमरे देख सवालों को सुनाने के बाद योगी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो मेरा चैलेंज स्वीकार करते हैं तो मैं जल्द ही खुलासा करूंगी जो कि उनकी जीवन शैली से जुड़ा होगा। वो ये है कि जो हमारे बिजली की दरें बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके खिलाफ हम लोग धरना कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं सभी लोग को ये बताना चाहती हूँ कि इस बार जो निकाय चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने मात दी। हमारी समाजवादी पार्टी वो चाहे किसी वजह से किसी तरह से हम लोगों ने जो कर गुजारा इस जनपद में भी वो सबको जानकारी है कि वो क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो कि प्रधानमंत्री हैं, वो शादीशुदा होकर भी कुंवारे रह गए। उन्हें क्या पता है कि हमारी जनता और हमारा परिवार क्या होता है। इसी तरह से योगी जी हैं, उन्हें भी परिवार के बारे में नहीं मालूम है कि परिवार के बारे में ये पता है कि हमें क्या दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ योगी जी को, मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि मैं गोरखपुर की, आप भी गोरखपुर के हो, इसलिए आपकी आप सुगंजा में तो आपकी